इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम वैभव खंड स्थित साया गोल्ड एवेन्यू में, जहां पर अब तक 1062 लोगों की तबीयत खराब हुई है, वो भी दूषित पानी पीने की वजह से। दरअसल बीती 1 तारीख से अब तक ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है और इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग ने भी यहां पर कैंप लगा दिया है और अभी भी जो सोसाइटी के लोग हैं यहां आप देख सकते हैं दवाएं लेने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। और ये भी जानकारी दी गई है कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, यानी उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है, उनकी सेहत ज़्यादा ख़राब है। बात यहां पर करें साया गोल्ड एवेन्यू की तो तकरीबन 4500 लोग सोसाइटी में रहते हैं, 8 टावर हैं और यहाँ आप देखेंगे तो सीनियर सिटीजन भी हैं जो दवाई लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, छोटी बच्ची भी हैं। इनसे बात करेंगे, मैम बात करना चाहेंगे आपसे, बताएंगे क्या वजह है यहाँ आने की। चलिए यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे और एक मैम आई हैं उनसे बात करेंगे बेटी को लेकर। मैम आप साया गोल्ड एवेन्यू में ही रहते हैं? यस। क्या प्रॉब्लम आई है? मैम बच्चे को 6-7 दिनों से लूज मोशन हो रहा है। कब से हो रहे हैं मैम? वन वीक हो गया है। 1 वीक हो गया है तो ये जो आपकी बेटी को हुआ है कि पूरी सोसाइटी में ये हाल है? सारे सभी को लूज मोशन, हॉस्पिटलाइज भी हो गए हैं लोग। कि क्या रीज़न है, किस वजह से यहाँ लोग इफेक्ट हो रहे हैं? दरअसल सीवर का जो पानी है वो मेन लाइन जो थी उसके साथ सप्लाई होकर घरों में गया और उसके बाद लोगों की जो तबीयत है वो एकाएक ख़राब होनी शुरू हो गई और अब तक का जो फिगर निकल कर सामने आया है वो 1062 लोग इफेक्ट हुए हैं। आगे भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन इनका कहना है कि डोर टू डोर सर्वे कराया गया है और लोगों को बताया गया है, उनको टैबलेट्स दी गई हैं, ORS के घोल दिए गए हैं और जिसको जैसी सिम्टम है उसको वैसी जो दवाइयाँ हैं वो प्रोवाइड की गई हैं ताकि ये जो महामारी एकाएक इस साया गोल्ड एवेन्यू में फैली गई है, फैल रही है, उसको रोका जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद।